हाय फ्रेंड्स, अभी आपको एक्सिस दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसका प्रीमियम घट गया है। दोनों को मैं हैश कर तो यह ऑटोमेटिक घट जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या पता। रिकॉर्ड तो हो रहा है और अभी गैर आवाज़ रहा है। तो मैं अभी बहुत टाइम पहले मैं स्ट्रेटेजी बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम लोग को एक्सिस को समझ में पाना पड़ेगा। कैंडल स्टिक किस दिशा में जा रहा है, ट्रेन लाइन ड्रॉ करना चाहिए 23,600। तो यहाँ पे 23,600 में अभी मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 23,600 कितना, 23,643। तो शेष उस टाइम तो 700, तो शेष यहाँ था तो यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काट रहा है 26 हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो, और उसके बाद मैं लिया कितना 13 रुपीस। तो यहाँ पे 23,400 यार। उसको 1, 2, 3 स्ट्राइक प्राइस लिया था, ये 4 रुपया, 7 रुपया, ये 13 रुपया। तो यहाँ पे 10 रुपये था, 3 रुपये ज़्यादा हो गया। और यहाँ का मैं ये साइड का डाउन साइड जा रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है डाउन साइड जा रहा है। तो ओवरऑल ये यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो और डाउन साइड जाने का बहुत संभावना है। तो प्राइस बहुत तेज से नीचे तरफ भागेगा। तो ओवरऑल साइड वाइज चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल साइड का जा रहा हूँ, अभी पुट साइड का तो दिखा दिया। यहाँ पे देखो, ठीक है, 13 लाख, उसके बाद 12 लाख, और यहाँ पे 34। तो ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा है इंटरेस्ट ना। तो यहाँ पे कितना 13 रुपये प्राइस चल रहा है, ओके। और यहाँ का 8 रुपया, 8 रुपये, 5 रुपया, 3 रुपया, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे एक दो घंटा पहला, मतलब 1.5 घंटा पहला क्या दिया था, एक बार टेलीग्राम चैनल में हम जाके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया कितना देखो, 7 रुपये चल रहा है, 5 रुपये चल रहा है, 3 रुपये चल रहा है, इधर का 4 रुपया, 8 रुपया, 14 रुपया, ठीक है? अभी हम टेलीग्राम चैनल में जाएगा। यहाँ पे कितना कॉल दिया था देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपया, यहाँ का प्राइस कितना 10 रुपया। अभी 10 से जाके कितना हुआ, अब बढ़ रहा है ना, ये प्राइस बढ़ रहा है। तो ये 6 रुपया या 4 रुपया, तो यहाँ का कितना है 15,804। तो 15,804 अभी मैं एक्सिस दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पल साइड का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 24,000 का लेवल लिया है, 23,400 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 23,400 का लेवल कितना था, 5 रुपया, 10 रुपया 15 पैसा, तो अभी 15 रुपया हो गया। तो ओवरऑल 10 रुपया, तो 14 रुपये, 15 रुपये सोच लो सपोज। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना 13 रुपया आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे 14 रुपये, 13 रुपये ही सोचना है, 14 रुपया, तो कितना 13, 14 कोई भी चलेगा। तो 10, 3, 10, 7, 14, 4 रुपये बढ़ा है इधर, ओके। और यहाँ पे 7 रुपया, 6 रुपये 2 पैसे, मतलब 1 रुपये बढ़ा है। यहाँ पे कितना 60 रुपये था, तो 75 पॉइंट बढ़ा है, 60 रुपये 1 पैसा था इसमें बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ये साइड का क्या है देखो, ये साइड में कितना था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 24,100 का, 24,100 यहाँ पे है। तो 24,100 में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितना था, 15 रुपये था, यहाँ पे 15 रुपये था। तो अब 15 यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, तो यहाँ पे 6 रुपये घट गया, राइट? यहाँ पे 4 रुपया, यहाँ पे 4 रुपये नहीं, 8 रुपये था, 4 रुपया, अब 5, 4 रुपये, तो और ओवरऑल 4, 4, 8, तो यहाँ पे 4 रुपये गिर गया। और यहाँ का 3, 4 रुपये था, 3 रुपया 3 पैसा, बोले तो यहाँ पे 1.5 रुपये गिर गया, बस ये 3 प्रीमियम गिर गया, यहाँ का प्रीमियम बढ़ गया। तो जो है इधर का बढ़ गया ना, यहाँ पे कितना था 4 रुपया, 75, 7 रुपये, 6 रुपये 2 पैसे था, 7 रुपये 7 पैसा, 10 रुपये था, यहाँ पे 13 रुपया 15 पैसा, ओवरऑल्स डाउन साइड जा रहा है। तो हम क्या है यहाँ पे हेजिंग करके क्या बनाया था यार, हेजिंग करके हम डाउन साइड का ट्रेंड बनाया था, इधर जाएगा। तो ओवरऑल पहले से मैं सिग्नल दे दिया, तो लो यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर दिया। तो हम लोग को रिस्पेक्ट था ऑप्शन से, देख के यहाँ से ही हम लोग शॉर्ट कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करूँगा अभी, ठीक है? जब तक वो ट्रेंड अब वहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, वो भरोसा का पहले ही वो हम लोग एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ देखो, ओवरऑल ट्रेंड
ठीक है, ये पहला का है नहीं, ये देखो मैं देखा है एक, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा है 1 मिनट का कैंडल में, नहीं 10 मिनट का, 15 मिनट का कैंडल में, तो ओवरऑल 10 मिनट का कन्वर्ट कर दिया मैं, तो ब्रेकआउट हो रहा है, तो लोअर लो के साथ हम सेल किया गया है और ऑप्शन सेल में भी सेल है, तो यही यहाँ पे ये दे दिया। और यहाँ पे देखो प्राइस कितना है अभी, 15 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपया, ठीक है, यहाँ देखो ये साइड में देखो 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, ये 10 है या 15 है, तो 10 15 कितना, 15 10 रुपया और 5 रुपया, 15 5 रुपया ज्यादा है, तो 15 में अगर 15 अगर वहाँ पे 15 रुपया था तो अभी कितना चल रहा है वहाँ पे 7 रुपया, 8 रुपया चल रहा है, तो ओवरऑल ये साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है, सही है, बढ़ने चाहिए प्रीमियम, इसीलिए तो बना है स्ट्रेटेजी, 10 रुपया है यहाँ पे 13 रुपये, 14 रुपया हो रहा है, यहाँ 15 रुपये था वहाँ पे 8 रुपये हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट से मतलब है ना, हेजिंग करके प्रॉफिट बनाओ यार, ठीक है, हेजिंग करे प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ, आपको प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया। अभी देखो यहाँ पे ओवरऑल 4 रुपीज, 7 रुपीज, 13 रुपीज, एंड देन गुड प्रॉफिट 8 रुपया, 15 रुपये, 8 रुपया, 8 9 10, 10 5 15, 6 7, 7 8 रुपये तो यहाँ ही मिल गया, फिर और क्या है, 7 से 14, 8 रुपये अभी ऑटोमेटिक मिल गया यार, यहाँ पे जीरो होने का जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर दो। ये छोटा प्रीमियम क्यों दिया मालूम है, यहाँ पे यहाँ 7 रुपया, यहाँ कितना था 7 रुपया, यहाँ पे 8 रुपया, तो 5 रुपया हो गया, यहाँ अभी 8 हो गया, देखो कितना मतलब डाउन सेट का रिस्पेक्ट है। हम बड़ा क्यों शॉर्ट नहीं करने के लिए बोल रहा हो, क्योंकि मेरा स्टूडेंट का है, इसलिए उसके पास मार्जिन कम रहता बोल के मैं छोटा छोटा दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ बड़ा मैं नीचे का लॉट भी है, आपका मर्जी, यहाँ से आप ले सकता है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे 44 का भी है, और ये सब आउट ऑफ द मनी जो है, सेल करने से जीरो होने वाला है, ये जो देख रहा है ना, ये पूरे से पूरे जीरो हो जाएगा, ये जितना भी प्रीमियम देख रहा है ना सबका, ये साइड का भी जीरो होने वाला है, इधर का भी जीरो होने वाला है, अगर आप वेट करोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, दोनों को स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर अब लोग अगर ये साइड से शॉर्ट किया ना, हमें यहाँ का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, जैसा हमने ये साइड का 23,000 का यहाँ पे बनाया, इसका स्टॉप यहाँ पे 13 रुपये चला है, तो 23,400, और यहाँ का कितना था, और यहाँ का लेवल 24,100, दोनों में हैज होता तो, और इसका दोनों वो दोनों सेम है, सेम सेटअप है, तीनों को तीनों सेटअप बना गया है, तो यहाँ पे 8 रुपया था ना, यहाँ पे पहले तो 15 रुपया था, तो 15 रुपया अभी 8 रुपया हो गया है, तो ओवरऑल हमको प्रॉफिट मिल रहा है 7 रुपीज़ ना, 8 8 16 17, तो यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो 15 यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पहला फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए, यहाँ पे 11 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहाँ पे 15 रुपये था तो वहाँ पे 11 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ओके राइट, नीचे का 5 रुपये था, नीचे का 8 रुपये था, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था हमको 6 रुपया, 7 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे जो 8 रुपये था, तो नीचे का 4 रुपये जो था, 3 रुपये अभी चल रहा है 3.35, यहाँ पे 4.75 था, मतलब 5 रुपये का पास, तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस होना चाहिए 5 रुपया, ठीक है, जहाँ पे 4 रुपये था वहाँ पे 1 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो यहाँ का यहाँ में स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, ठीक है, सेम दोनों साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए मेंटेन्स करने, यहाँ भी सेम उसी तरह से ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे जो प्राइस 10 रुपये, 11 रुपये स्टॉप लॉस, यहाँ पे 6 रुपया, 7 रुपये स्टॉप लॉस, यहाँ पे 8 रुपये, सेम दोनों में सेम स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट क्विक मोमेंट अगर किधर भी भाग गया 200 पॉइंट तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस दोनों साइड लगाना है नज़दीक का प्राइस में, ठीक है, ओवरऑल आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएगा, सही, ये देखो दोनों प्रीमियम घट रहा है, जितना और 1 घंटा यहाँ पे वेट करेगा ना, तो ओवरऑल से दोनों जीरो हो जाएगा, 12 रुपया आया यहाँ पे, तो 8 रुपये ही है, तो ओवरऑल से घूम रहा है फिर रहा है, ओवरऑल से प्रीमियम जीरो ही हो रहा है, ठीक है, जीरो हो रहा है, तो देखो यहाँ से हमने स्टडी यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे ये जो क्यू दिया यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये अभी रिफ्रेश हो गया है, तो इसीलिए वो चले गया, इधर देखो, यहाँ देखो, ठीक है, लेवल दे दिया और पहला का ही इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे एक से ब्रेकआउट हो रहा है लेवल, तो 1 मिनट कैंडल में, तो ओवरऑल सी देखो यहाँ पे एक दे दिया,
क्योंकि ये देखो एक हाफ पे राउंड हो रहा है, ये जो बटन बनाया है एक डब्लू बटन बनाया, देखो ऐसा आया फिर ऐसा किया फिर ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट ज़्यादा नहीं होता है, यही सब बटन बना है तो डबल, यहाँ डबल बटन बन गया ठीक है, ये टॉप नहीं बना, डबल टॉप नहीं बना, यह डबल बटन बन गया। बटन तो समझता, नीचे जो रहता है उसको बटन बोलता है, जो बिल्डिंग का काम आता ना, जो इंजीनियर है उसको पता है टॉप बटन कैसा होता है, अच्छा से पता हो जाएगा उसको। ओवरऑल सेलिंग हो गया हमारा तो प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट से मतलब है बस प्रॉफिट हुआ हम निकल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम आपको टेलीग्राम चैनल में दिया लिया ऑलरेडी, आप नहीं कर पाए तो मैं कर सकता है, या ऑलरेडी मैं सिग्नल दिया 15 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपया, मतलब ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस क्यों दिया, या 15 रुपये क्यों दिया और 8 रुपये क्यों दिया। हर इंसान का पास मार्जिन कम है ना, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट यहाँ में कम कर दिया है। अब चाहे तो बड़ा बड़ा यहाँ पे ले सकता था, यहाँ पे ले सकता था ना, हमें 29 ले सकता ना, अभी वो अच्छा रहता था, 52 भी ले सकता था ना, 90 भी ले सकता था, क्यों नहीं लिया, क्या को यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे और एक्सिस तो देखना पड़ेगा, वो लेने से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखना पड़ता। अगर आप यहाँ जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल 23.4 बस हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा है वो सब देखना पड़ता है, ऑप्शन सेंस से दिखाता होगा कि वो आपके पास नहीं रहेगा ना क्विक मोमेंट के लिए, तो हापन को पास रहेगा कितना, 23,652, 23,652, 652, 652 ओवरऑल। यहाँ पे देखो अभी ये डाउन साइड का ये रिस्पेक्ट कर रहा है, बढ़ गया, यहाँ पे नहीं था उस टाइम, अभी 23,400 का लेवल था, वहाँ पे 13 रुपये था ना उस टाइम, ये नहीं था ज़्यादा, अभी वन वन कितना, टेन लाख से यहाँ पे ऐड हो गए, तो यहाँ पर इतना नहीं था, यहाँ पे 7,62,000 यहाँ पे नहीं था, यही था यहाँ पे नहीं था, तो अभी मार्केट घूम रहा है ना, तो इसीलिए हम तो यहाँ पे 13 रुपये का शॉर्ट कर दिए, 13 रुपये नहीं था, 10 रुपये था, और अभी थोड़ा ये साइड का बढ़ गया प्रीमियम, तो बढ़ना चाहिए, हम स्ट्रेटेजी भी ऐसा बनाया ना, तो 23,800 यहाँ पे देखो, ये तीनों में सबसे ज़्यादा नीचे का है, सबसे ज़्यादा किधर है, यहाँ पे है देखो, 13 रुपये का प्रीमियम था, तो यहाँ पे उस टाइम 15 रुपये था ठीक है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, यहाँ पे 2 लाख 25 लाख 35 जो भी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 रुपये था, तो सबसे ज़्यादा यहाँ ओपन था, तो ये देखो ये साइड का कितना शॉर्ट कर रहा है, देखा ये साइड में इतना नहीं है क्योंकि ये पुट साइड है ना, ये कॉल साइड में ज़्यादा शॉर्ट कर रहा है, तो ओवरऑल आप ये सब का पास नोको जाओ, क्योंकि ये ऐट द मनी इन द ये है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी में नहीं जाना क्योंकि वो जीरो नहीं होने वाला है, ये जितना भी ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है, यह सब ये थोड़ा बाकी है, इसको होने के लिए भी टाइम लगता है, ये भी जीरो होने वाला है ठीक है, ये 10 रुपये जो देख रहे हैं सब का सब जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा वो ठीक है, ओवर नाइट पोजिशन रखने से जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा मार्केट, ये सब कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाने वाला है, अगर बहुत स्पाइक मोमेंट आ जाएगा बहुत तेज से मार्केट भाग जाएगा सब से तुरंत, एक 5 मिनट के अंदर ये भाग के यहाँ आ जाएगा, तो साला जो भी प्राइस ले रहा है ना आपका सब का सब, इसीलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस यहाँ पे भी जरूरत है, दोनों साइड में स्टॉप लॉस जरूरी है, जो अभी मार्केट स्पाइक मोमेंट करेगा तो आपका सबका एक वो पोजिशन स्क्वायर अप हो जाएगा ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, 12 रुपया, 7 रुपया, 4 रुपया, या 4 रुपया या 7 रुपया, बस भाई प्रॉफिट होगा निकल जाओ, यहाँ पे 100-200 क्वांटिटी ले आओ, मजा उठाओ बस। वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, ये आउट ऑफ द मनी एकदम जीरो होने वाला है, जो भी स्ट्राइक तीनों दिया यहाँ पे, जिसके पास पैसे ज़्यादा होता वो 13 रुपया वाला ले सकता था, और यहाँ पे 15 रुपये का ले सकता था, ये 10 रुपये था, अभी 14 रुपये हो जाएगा, ये जितना उधर जाएगा ये उतना घटेगा ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा ये उतना बढ़ेगा ठीक है, तो इसीलिए अरे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग लेवल है, तो यहाँ का ब्रेकआउट होना 23,500 का, ये बहुत बड़ा स्ट्रांग लेवल है, देखो इधर जाओगा तो 23,500 का
ये देखो ये एक बड़ा रेजिस्टेंट है, यहाँ पे 23,500 अगर ब्रेकआउट कर पाएगा ना तो ये स्पाइक मोमेंट होगा। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, लगा के करना है, स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10 रुपये लिया, 23,400 का लेवल 10 रुपये 15 पैसे से लिया, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 10 रुपये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 10 रुपया, और प्लस जहाँ पे मैं 15 रुपये दे के लिया वहाँ पे भी अपना 10 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह मेरे को जीरो होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे दोनों जगह 10-10 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो यहाँ पे 1500 चल रहा है तो 15 का ऊपर 15 से 10 बोले तो और कितना स्टॉप लॉस आता है, 15 से 10 बोले तो 25 रुपये स्टॉप लॉस यहाँ पे, मतलब 10 रुपये बढ़ा कर दिया तो 25 रुपये आता ना यहाँ पे। और यहाँ का जो 10 रुपया है तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आता, 10-10-20, यहाँ 20 रुपये, यहाँ 25 रुपये, दोनों में सिस्टम हो जाता है। लॉस हुआ तो आपको यहाँ पे 5 रुपये होने वाला है, ठीक है। अगर ऊपर स्पाइक मतलब मार्केट ऊपर आ गया, मैं स्ट्रेटेजी बनाया डाउन साइड के लिए, यहाँ से स्पाइक बनाया डाउन साइड जा रहा है, राइट जा रहा है, ओके, डाउन साइड का रिस्पेक्ट था, जा रहा है यहाँ से लिया है, यहाँ आ रहा है, निकलना चाहिए, राइट निकलना जाना, बस स्पाइक यहाँ से ब्रेकआउट किया या ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। देखो इधर भी देखा ट्रेंड लाइन नहीं देखा मैं पहले से, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ब्रेकआउट किया, साइडवेज किया या नहीं। पहला प्रैक्टिस करो यार, तुम लोग प्रैक्टिस करता नहीं इसीलिए बोलता। देखो डाउन साइड कर रहा है या ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। हर चीज कोर्स का अंदर सीखा जाता है। ऑलरेडी ट्रेन ये कितना 10 मिनट के कैंडल में नहीं है, 15 मिनट का कैंडल में देखा करो तो ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन ब्रेक हो रहा है, ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन एक ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट लेके देखा मैंने, और भी 2 मिनट में भी देखा मस्त, यहाँ अच्छा अच्छा खासा ट्रेन लाइन, देखो एक दो दो बटन बनाया तो मैं 2 मिनट से यहाँ पे देखा था, तो अच्छा खासा ट्रेन लाइन ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिला, नहीं मिला ट्रेन लाइन से और भी प्रॉफिट मिला। ट्रेन लाइन हमेशा हर जगह ट्रेन लाइन को यूज़ करना, हर चीज़ को यूज़ करा जाता है, खाली ट्रेन लाइन है तो ट्रेन लाइन देख के मैं 15 मिनट में भी देखा तो अच्छा खासा बड़ा कैंडल है, उसके साथ फिर लोअर लो फॉर्मेशन और सेल हो गया हमारा। तो एंट्री यहाँ से हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को जहाँ से आदमी लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा हम लोग वहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, राइट। यहाँ पे किया डब्ल्यू बटन बनाया, जो डब्ल्यू बटन, हर बटन का अलग अलग स्ट्रेटेजी है, आपको सीखना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको निकलना चाहिए मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल प्रीमियम देखो 16 रुपया हो गया, ठीक है। हम बोला यहाँ पे 10-10-20 रुपया होना चाहिए, 20 रुपया यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 16 रुपया यहाँ 20 रुपया तो निकल जाएगा। और यहाँ का प्रीमियम कितना 6 रुपया है, यहाँ पे 25 रुपया था स्टॉप लॉस, ऑटोमेटिक अगर ये 10 होगा निकल जाएगा, ये भी उसके साथ निकल जाना बस मार्केट। अगर बाय मिस्टेक ऊपर आ जाएगा तो 25 रुपया होगा, और इसका प्रीमियम आपको 10 रुपये में मतलब एग्जीक्यूट करा देगा। तो मार्केट दोनों साइड में स्टॉप लॉस जरूरी है, हेजिंग किया तो सही है, मगर आपको साथ क्विक मोमेंट हुआ ना, एक साइड का प्रीमियम बहुत तेज से भागेगा और एक जीरो हो जाएगा, तो जीरो होकर ये तो किया हम 10 रुपये लिया, सपोज यहाँ पे से 15 रुपये लिया था तो हमको जीरो ही होने वाला है ना। और यहाँ का प्रीमियम आप कितना लिया, 10 रुपये लिया, यहाँ ये 10 रुपये वाला प्रीमियम ये 40-50 रुपये भी हो सकता है, ये याद रखना। बहुत अगर 100-200 पेमेंट होगा तो ये 50 रुपये होने के लिए 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ दोनों साइड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर बहुत तेज से मार्केट भाग रहा है, सपोज यहाँ से क्विक मूवमेंट होगी यहाँ आ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ से एक पुट शॉर्ट करना और एक कॉल भी यहाँ पे बाय करना, ठीक है। तो वो अलग सिस्टम है, यहाँ ये सेलिंग में मतलब एक्सपायरी में वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। हाँ वो मंथली में यूज होता है, एक बाय करा जाता है एक सेल करा जाता है, कैसा वो मैं बताता हूँ। सपोज आपने विराश लेना था, ये साइड का प्रीमियम हम एक से शॉर्ट किया तो मार्केट नीचे आएगा, राइट नीचे आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक कॉल को सेल किया और एक कॉल को बाय किया। सपोज इसका प्रीमियम 300 रुपये चला है, सपोज इसका 200 रुपये, सपोज इसका 200 चल रहा है, तो यहाँ 200 में मैं एक प्रीमियम बाय किया, ठीक है। मेरा रिस्पेक्ट है मार्केट ऊपर जाएगा, 200 रुपये देगा प्रीमियम, मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा रिस्पेक्ट है
ऊपर जाएगा बाइक या 200 रुपये दे के। और एक प्रीमियम 123 उतना दूर नहीं आता तो थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा 200 यहाँ पे, और थोड़ा स्ट्राइक प्राइस को ढूंढना पड़ता। सपोज यहाँ पे 7123 एडजस्टमेंट नहीं होता, फिर भी बता रहा हूँ चलो यहाँ पे 150 रुपये होना चाहिए, मैक्सिमम 160 रुपये होना चाहिए, 60, 70, 80, 90 30 रुपये का फर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे 160 रुपये होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ 200 रुपये, यहाँ 160 रुपये, 170 रुपये ऐसा पास होना चाहिए, 30-40 रुपये का लॉस होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए उतना। तो ओवरऑल हमको क्या चाहिए, 160 रुपये का एक प्रीमियम, एक तो 200 रुपये में बाई किया और एक सेल करना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे आ गया तो अब की आपको थीटा मिलेगा, और ये अगर ऊपर जाएगा बाई कर रहा तो मंथली कैंडल, ये जो 200 रुपये प्रीमियम लिया ये 1000 रुपये होने के लिए टाइम नहीं लगता, ठीक है, ये 1000 रुपये हो जाएगा, और ये जो नीचे का आप जीरो हो जाएगा जीरो। तो ये वो मंथली में यूज़ करा जाता है, देखो यहाँ पे 1000 रुपया है, देखो कितना बड़ा बड़ा यहाँ ये सब क्या है, ये इन द मनी है, ठीक है, और हम जो बात कर रहे हैं ये सब इन द मनी हो जाता है जो मंथली में लेता है। देखो पोजीशन स्क्वायरअप नहीं करेगा, ऑटोमेटिक लास्ट में वो स्क्वायरअप कर देगा, वो पोजीशन यहाँ पे 1000 रुपया, देखो 2000, 3000, ये 2000 का है LTP, देखो 2000 है, ये सब ये जीरो नहीं, यहाँ पे थीटा नहीं, एक पैसा भी थीटा नहीं मिलेगा यहाँ पे, सब यहाँ पे ये इन द मनी, इसमें थीटा नहीं मिलेगा, जितना भी थीटा का काम है वो व्हाइट देख रहा है ना, सब थीटा का काम है, यहाँ पे सब कुछ जीरो होने वाला है, जीरो। अभी पोजीशन को दिखाऊंगा तो यहाँ पे 14 रुपया हो गया है, 7 रुपया या 4 रुपया, यहाँ कितना है 6 रुपया, 7 रुपया, और नीचे का तो 2 रुपया होगा शायद, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो नीचे का बोला ना 2 रुपये हो गए, तो ओवरऑल कितना 4 रुपये था, 2 रुपये हो गए, गुड प्रॉफिट, यहाँ पे 2 रुपीज़ हो गए, या 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, दैट्स गुड प्रॉफिट, मार्केट से निकल जाओ यार, इतना प्रॉफिट के चक्कर में तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा यार। 200 क्वांटिटी लिया ना, कितना आता मालूम है, इसलिए बड़ा आदमी जो है ना छोटा अमाउंट से नहीं, छोटा अमाउंट वो बड़ा बड़ा अमाउंट से क्विक मोमेंट हो जाता है यहाँ पे, और क्या चाहिए, प्रॉफिट हो गए निकल जाओ, स्ट्रेटजी ऐसा करा जाता है, बुल कॉल स्प्रिट यहाँ पे हर सिस्टम अलग है, बटरफ्लाई यहाँ पे यूज नहीं होता, ये इंट्राडे में बटरफ्लाई बुल कॉल वो बाय सेल लो, खाली यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड यूज करना, दोनों साइड सेल करना, और दोनों को स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस में 5-5 रुपये का ले रहा है तो स्टॉप लॉस, हर चीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं तो आपको बैंड बज जाएगा, दोनों साइड का स्टॉप लॉस सेलिंग में, बाइंग में बोला तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता, बाइंग में जितना स्टॉप लॉस कोई ज़रूरत नहीं, इधर भी भागेगा इधर भी भागेगा, जल्दी भागता, तो इसलिए क्विक मूवमेंट होना चाहिए बाइंग में, और यहाँ पे तो उल्टा है, सेलिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता हमेशा, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता, तो एक थीटा भी घट रहा है, देखा दोनों साइड जीरो हो जाएगा, बता रहा हूँ ना या जीरो हो जाएगा, ये नए मोमेंट करें अभी तो अच्छा है, दोनों का जीरो हो जाएगा थीटा, तो ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट हो लेके निकल जाना। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया शायद, पता नहीं, और मैं तो हर रोज़ टेलीग्राम में कॉल नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कॉल दिए जो बंदा लिया है उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, थैंक यू, और सब मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है ना इसको ब्रेकआउट नहीं है, फिर से मार्केट रिवर्स करके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ से देऊंगा ना तो ये कल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, आज भी वो साला ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, वो 23,000 का कितना यहाँ पे 23,500 का शायद यहाँ पे फास्ट ओपन में इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना, तो ये वाला ये 23,500 का ब्रेकआउट कर नहीं पाएगा, अगर कर पाया तो मार्केट नीचे तरफ जाएगा, ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना माय डियर फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।